अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री की चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। चार दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण जो आया है, यह भी लोकतंत्र के का विरोधी है, लोकतंत्र को समाप्त। वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं को, अपनी बात आपने सारी संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है, ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दों पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। तो यहां दोस्तों मैं बता दूं कि जहां तक की बात है कि हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी के ऊपर ललन सिंह ने जोरदार तमाचा मारा है और उन्होंने सदन में खूब बेइज्जती की है। जी हां दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आप लोग लगातार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बने रहना होगा जोश बिहार चैनल के साथ, क्योंकि जोश बिहार चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो निष्पक्षता से पत्रकारिता करके आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम करती है। तो दोस्तों चलिए आगे का वीडियो देखते हैं, बातें करते हैं इस वीडियो के अंत में। 15 लाख जब ले खाता में ना आई ये चौकीदार, 15 लाख जब ले खाता में ना आई ये चौकीदार, कैसे बनाई बाए साहेब जाऊ इसमें सारा कार, कैसे बनाई बाए साहेब जाऊ इसमें सारा कार, कैसे बनाई बाए साहेब कि जब ले ओपीएस ना लागू तू कर बायला मर्दार, जब ले ओपीएस ना लागू तू कर बायला मर्दार, कैसे बनाई बाए साहेब जाऊ आतंकवादी नेता हो चुके हैं, उन नेताओं के लिए बात कर रहा हूँ ताकि इस देश को नेताओं की गलत प्रक्रिया से बचाई जा सके। नेता अपने वोट के लिए जनता को इस्तेमाल करती है और जनता उसकी मीठी मीठी बातों पर भरोसा करके, नेता पे विश्वास करके उनको वोट देते हैं, उनको जिताते हैं, और नेता क्या करते हैं जनताओं के जो बात है उसको संधि विच्छेद करते हुए उसका गलत मतलब निकाल करके उसको जेल में बैठा देते हैं। दोस्तों अभी बात यह है कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं किसी के भी खिलाफ, अगर आप गलत हैं तो हम आपको गलत बोलेंगे। तो ऐसे प्रक्रिया में हमारी बिहार की जो जनता है इस चीज़ को भलीभांति जानती होगी, हमारी यूपी की जो जनता है भलीभांति जानती होगी, इसलिए क्योंकि जो हमारी यूपी बिहार के जो नेता हैं वो एक ऐसे सोचने वाले हैं कि उनका दबंगई जो चीज़ है हमेशा बरकरार रहे, वो ये सोचते हैं कि अगर वो नेता हैं तो ये पूरा जो एरिया है उनका खरीदा हुआ चीज़ है, वहाँ के लोग गुलाम हैं, ऐसे कुछ सोचने वाले लोग हैं। दोस्तों इसी तरह का जो वीडियो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो वीडियो है आपको मनीष कश्यप के बारे में, हम आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप जेल से छूट गए हैं और बाइज्जत उनको रिहा किया गया है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने भी सभी कोई। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मनोज तिवारी उनके घर आए थे और उनके घर आकर के उनको प्रोत्साहित किए हैं कि मनोज तिवारी ने जो मनीष कश्यप के साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिला करके और उनके समर्थन में उनके गांव पे आए हुए हैं, उनके जो घर का जो नीलामी हुआ था, सॉरी नीलामी बोल रहे हैं, कुर्की जब्ती जो हुआ था वहाँ पे गए थे मनोज तिवारी, उनको देखे हैं। सभी चीज़ों के देखते हुए मनोज तिवारी ने अब ये सोचने लगे हैं कि बिहार के जो नेता है, जो बिहार में जो जंगल सरकार है कहाँ किस हद तक जा रही है। दोस्तों बीजेपी का कहना है कि बिहार में इस तरह के नेताओं का होना बिहार के लिए काफ़ी घातक है और ऐसे नेताओं को बिहार से दूर करना चाहिए, इसके लिए आप सभी को बीजेपी के साथ देना होगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक छोटा सा गीत जो नेहा सिंह राठौर की आवाज़ में है, तो और उसके बाद बातें करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों पहलवानन के बात नहीं मानत बा चौकी दरवा पे लानत बा लानत बा, पहलवानन के बात नहीं मानत बा चौकी दरवा पे लानत बा लानत बा, ओ काहे साहे बड़ चुप कहां गई बड़ चुप तनी मीडिया में आओ टेली प्रॉम्प्टर हटावा, तो हर मंत्री डरार काहे फानत बा चौकी दरवा पे लानत बा लानत बा।